हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईएफबी इंग्लिश फ्रॉम बिगिनिंग। फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं कि ऑरेशन 56, जहां पर हम देखेंगे कैन का एक्टिव और कैन का पैसिव। फ्रेंड्स, हम लोगों ने लेशन 1 में देखा था कि कैन क्या होता है और इसके यूजेस क्या होते हैं। हम लोगों ने उस लेशन में देखा कि जो कैन होता है ना, वो अपनी क्षमता को, अपनी एबिलिटी को और अपनी योग्यता को बताने के लिए यूज किया जा रहा था। और आज फ्रेंड्स, हम फिर से उसी कैन की बात करने जा रहे हैं, लेकिन आज हम कैन का एक्टिव और कैन का पैसिव दोनों पढ़ेंगे। तो एक्टिव में इसकी जो पहचान थी वो क्या थी? सकता है, सकती है और सकते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले कैड किया था सब्जेक्ट, ठीक। सब्जेक्ट के बाद हम लोगों ने कैड किया कैन, और सब्जेक्ट चाहे जो भी रहा हो, कैन के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखनी थी, और लास्ट में हम लोगों ने कैड किया ऑब्जेक्ट। और इसी तरीके से इसके पूरे के पूरे 6 स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाए थे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं क्या कैन का पैसिव, तो इसकी पहचान क्या हो जाएगी? जा सकता है, जा सकती है और जा सकते हैं। जहां पर ये जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं, वर्ब के बाद में अलग से लिख जाएगा। कुछ सेंटेंस में बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनकर समझिएगा। तो अगर मैंने आपसे कहा कि मेरे द्वारा अंग्रेजी सीखी जा सकती है, तो आपने ध्यान दिया, सीखने के बाद मैंने क्या बोला है? जा सकती है, यानी वर्ब के बाद जा सकती है बोला है मैंने। आपके द्वारा कंप्यूटर सुधारा जा सकता है, तो फिर से देखिएगा, सुधारना के बाद मैंने क्या बोला है? सुधारा जा सकता है, यानी वर्ब के बाद जा सकता है बोला गया। इसी तरीके से मैं आपसे कहूं कि पापा के द्वारा मुझे पढ़ाया जा सकता है, मम्मी के द्वारा खाना बनाया जा सकता है, हम लोगों के द्वारा पार्टी मनाई जा सकती है, आपके द्वारा इस कमरे को सजाया जा सकता है। तो बनाया जा सकता है, सजाया जा सकता है, सुधारा जा सकता है, तो वर्ब के बाद सकता है, सकती है, इसलिए वर्ब के बाद जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं लिखकर आना चाहिए। अब फ्रेंड्स, बात अगर स्ट्रक्चर की जाए, तो हमें सबसे पहले क्या रखना होगा? ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या हो जाएगी? कैन बी। तो ध्यान दीजिए कि एक्टिव में सिर्फ हमें कैन रखना था, बट जैसे ही बात पैसिव की हो जाएगी तो हमारी हेल्पिंग वर्ब कैन बी होगी। और अगर बात पैसिव की हो रही है तो हमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म रखनी होगी? थर्ड फॉर्म। लास्ट में बाय और सब्जेक्ट को हमें ऐड करना होगा। और फ्रेंड्स, माइंड कीजिए कि सेंटेंस का जो ये पार्ट है, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट, ये सारे स्ट्रक्चर में ऐसे ही रहने वाला है। अब हमें इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना। यानी कहने का मतलब ये था कि अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव हो जाए, तो हमें जो नॉट है ना, वो कहाँ पे रखना होगा? कैन और बी दोनों के बीच में। आप चाहो तो कैन नॉट को शॉर्ट करके कांट भी बोल सकते हो। और सेंटेंस की शुरुआत अगर क्या सो हो जाए, यानी सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव हो जाए, तो हमें क्या करना होगा? कैन को ऑब्जेक्ट के पहले ऐड करना होगा। और इसी तरीके से सारे फॉर्मेट आपको खुद से बना लेने। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं क्या एक एग्जांपल की, तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखने जा रहा हूं। तो अगर मैंने आपसे कहा होता कि वह अंग्रेजी बोल सकता है, तो क्या आप बता सकते हो कि ये सेंटेंस हमारा कहां का हो गया? ये सेंटेंस हमारा एक्टिव का है। और अगर सेंटेंस हमारा एक्टिव का है, तो इसे हमें एक्टिव से बनाना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या रखना होगा? सब्जेक्ट, जो कि यहाँ पर कौन हो गया? ही। इसके ठीक बाद हमें यहाँ पर कैड कर देना है कैन, और हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है। और मेन वर्ब हमारे यहाँ पर क्या थी? बोलना, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीक। और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर कौन है? इंग्लिश। तो उसको भी यहाँ पर ऐड कर दीजिए। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया, ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकता है। और फ्रेंड्स, अगर इसी सेंटेंस को मुझे पैसिव करना होता, तो मैं आपसे क्या कहता? उसके द्वारा अंग्रेजी बोली जा सकती। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया? पैसिव का हो गया। अब अगर हमारा सेंटेंस पैसिव का है, तो इसको हमें पैसिव से बनाना होगा। यानी सबसे पहले हमें क्या रखना होगा? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका मैंने आपको बता के रखा है कि सबसे पहला काम है कि आप वर्ब को ढूंढें। तो हमारी वर्ब क्या थी? बोलना। और मैंने क्वेश्चन किया क्या बोली जा सकती है, तो आंसर क्या आएगा? इंग्लिश। और इसी इंग्लिश को आपको ऐड कर देना है, तो ऐड कर दीजिए। इसके ठीक बाद हमें हेल्पिंग वर्ब क्या रखनी है? कैन बी, उसको भी हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब हमें रखनी होगी क्या वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। स्पीक की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? स्पोकन। तो सेंटेंस क्या बनेगा? इंग्लिश कैन बी स्पोकन। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर सब्जेक्ट हमारा ही है, तो हमें बाय के बाद यहाँ पर क्या रखना होगा? हिम। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय हिम, उसके द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जा सकती है। अब सोचिए फ्रेंड्स, अगर ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव होता, यानी मैं आपसे कहता कि क्या मैं अंग्रेजी बोल सकता है,
इस सेंटेंस को अगर मुझे ट्रांसलेट करना होता तो मुझे क्या करना होता, कैन को सब्जेक्ट के पहले ऐड करना होता और सेंटेंस क्या बनता, कैन ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी बोल सकता है। और इस एक्टिव सेंटेंस को अगर मुझे पैसिव करना होगा तो मैं क्या बोलूंगा कि क्या उसके द्वारा अंग्रेजी बोली जा सकती है। तो अभी भी हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस कैन को उठाना है और ऑब्जेक्ट के पहले में ऐड करना है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, कैन इंग्लिश बी स्पोकन बाय हिम, क्या उसके द्वारा अंग्रेजी बोली जा सकती है। और फ्रेंड्स अगर मैं इसमें एक डब्ल्यूएच वर्ड जोड़ूं, जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि हाउ कैन इंग्लिश बी स्पोकन बाय हिम, तो इसकी हिंदी क्या होगी कि उसके द्वारा अंग्रेजी कैसे बोली जा सकती है। यहां पर आप कैसे को ऐड कर दीजिए। अब इस पैसिव सेंटेंस को अगर मुझे एक्टिव करना होता तो मैं क्या बोलता कि वह अंग्रेजी कैसे बोल सकता है, और इस सेंटेंस को बनाना होता तो हमें क्या करना होता, डब्ल्यूएच वर्ड को ही तो ऐड करना है, और यहाँ पर हमारा डब्ल्यूएच वर्ड कौन हो गया, कैसे, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, हाउ। देखिए हमारा एक्टिव कंप्लीट हो गया कि हाउ कैन ही स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी कैसे बोल सकता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं क्या कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो एक सेंटेंस लीजिए जो एक्टिव हो उसे पैसिव कीजिए, या फिर पैसिव का सेंटेंस ले लीजिए और उसको क्या कर लीजिए, एक्टिव। तो ध्यान से सुनिएगा, सी कैन सिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा सकती है। अ सॉन्ग कैन बी संग बाय हर, उसके द्वारा गाना गाया जा सकता है। मम्मी कैन बी स्कॉल्डेड बाय पापा, पापा के द्वारा मम्मी को डांटा जा सकता है। एंड पापा कैन स्कॉल्ड मम्मी, पापा मम्मी को डांट सकते हैं। वी कैन प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल सकते हैं। एंड क्रिकेट कैन बी प्लेड बाय अस, क्रिकेट हमारे द्वारा खेला जा सकता है। दे कैन बी पनिश्ड बाय मी, मेरे द्वारा उनको सजा दी जा सकती है। एंड आई कैन पनिश देम, मैं उन्हें सजा दे सकता हूँ। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करनी होगी, तो प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।